नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कन्हैया के स्टार्टअप को मिला $1 मिलियन का फंड। 23 साल की उम्र में इतना फंड पाने वाले पहले युवा उद्यमी बने। अब दुबई भेजेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के एक युवा कन्हैया शर्मा ने मात्र 23 साल की आयु में अपनी उद्यमिता की शुरुआत की और एक विशेषकर्ता स्टार्टअप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने इस स्टार्टअप को $1 मिलियन के निवेश से सफल बनाया है और इससे वे मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्यमी बन गए हैं। कन्हैया शर्मा ने एक ऐसा स्टार्टअप तैयार किया है जिसमें लोग घर बैठे विभिन्न कानूनी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कंपनी निर्माण, खाद्य लाइसेंस प्राप्त करना, आयकर रिटर्न जमा करना और इसी तरह के 251 सेवाएं। कन्हैया को मध्य प्रदेश सरकार ने दुबई बिजनेस एक्सपो में भाग लेने के लिए चुना है, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 कंपनियां शामिल हैं। कन्हैया इन कंपनियों में सबसे कम उम्र के उद्यमी हैं, जो मात्र 23 वर्ष के हैं। उनका चयन मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। कन्हैया की कंपनी विभिन्न कानूनी और कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं प्रदान करती है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कानूनी कार्यों को करवा सकता है, जैसे कि कंपनी का निर्माण, अदालती कागजात का काम, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्राप्त करना और आयकर रिटर्न जमा करना। आज इस प्लेटफॉर्म के ग्राहकों की संख्या पूरे भारत में हजारों की संख्या में है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से GST कंपनी के पंजीकरण से लेकर आयकर रिटर्न जमा करने जैसी 251 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कन्हैया का शिक्षा और पेशेवर जीवन। कन्हैया शर्मा का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ है। उन्होंने अपने पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी उद्यमिता के सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को इंदौर के श्री वैष्णव विश्वविद्यालय से किया और एक बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा का नाम भरते हुए एक स्टार्टअप कंपनी खोलने का निर्णय लिया। वे अब कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाने में कई मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास किया है। कन्हैया का संघर्ष और सफलता। कन्हैया का सफलता से भरपूर संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े और छोटे चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वे हमेशा पॉजिटिव और मनोबल से आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और इसके लिए कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वे कभी नहीं हारे और हमेशा प्रेरित रहे। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि किसी भी उद्यमिता को सफलता प्राप्त करने के लिए उम्र यानी किसी बड़ी सीमा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह आपके प्रत्याशाओं, लक्ष्यों और कठिनाइयों के सामने आपके आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना पर निर्भर करता है। कन्हैया के अनुसरणीय उदाहरण कन्हैया शर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए संघर्ष करना होता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संघर्ष को पार किया और आत्मविश्वास के साथ काम किया। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का जीवन में कोई समय सीमा नहीं होती। कन्हैया का सफलता का सफर हमें ये सिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक है सपनों का दृढ़ निष्ठा, संघर्ष की भावना और आत्मविश्वास। कन्हैया ने यह सिद्ध किया कि कोई भी कठिनाई को पार करके सफल हो सकता है, अगर वे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्मसमर्पण और मेहनत के बिना कोई भी सफलता संभावना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। कन्हैया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हमारे पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी उम्र किसी भी सफलता के लिए एक सीमा नहीं हो सकती। कन्हैया की सफलता की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सपनों का दृढ़ निष्ठा, संघर्ष की भावना और आत्मविश्वास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।